एडिंग वन स्टफ हियर, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स. ना ये कॉन्सेप्ट एक एडिशनल कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर रहा हूँ एज अ सेफ्टी मेजर. मे बी वी मे हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस. ये कहता है कि व्हेनेवर यू आर इशूइंग सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, व्हिच इज सिक्योर्ड रेफरेंस टू जहां पे कोई चार्ज क्रिएट किया गया है, तो आप कोई सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकते जब तक आपने उस सिक्योर डिपॉजिट के लिए क्या नहीं रखा, एक ट्रस्टी नहीं रखा हो. कुछ ट्रस्टी सर, ट्रस्टी इज अ पर्सन हु इज बेसिकली गोइंग टू मैनेज एंड कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स. नाउ अ रिटन कंसेंट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टी कि इज रेडी टू बी द ट्रस्टी एंड इज रेडी टू ही हैज गिवन हिज कंसेंट टू बी द ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स फॉर द सेम. एक डिपॉजिट ट्रस्टी बनाएगी कंपनी इन फॉर्म डीपीटी टू 7 days बिफोर इशूइंग द सर्क्यूलर फॉर एडवर्टाइजिंग टू गेट द मनी. अब वो ट्रस्टी जो है वो कौन नहीं होना चाहिए, यही क्वेश्चन एग्जाम का हो सकता है. ट्रस्टी कंपनी से लिंक नहीं होना चाहिए. ट्रस्टी किसके लिए बना, डिपॉजिटर्स के लिए. ही शुड नॉट बी अटैच विद द कंपनी, मतलब ट्रस्टी कंपनी का डायरेक्टर केएमवी या ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी का उसके होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी इंडेप्टेड टू द कंपनी सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनीज. ही शुड नॉट हैव अ रिलेशनशिप ऑफ पेक्यूनरी, दैट इज एनी बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द कंपनी. उसके बाद ही शुड नॉट be into a guarantor for any debts secured by the deposits or interest thereon, matlab guarantor nahi hona chahiye. And last, he should not be related to any person connected with point number 1, that is wo kisi director KMP ya officer ya employee ka relative nahi hona chahiye. ye log trustee nahi ban sakte. ab trustee hua kaun sir bataye, trustee ek banda hua jo depositors ka ek protecting guard banega. वो ध्यान रखेगा कि कंपनी डिपॉजिट्स के पैसे टाइम पे पे कर रही है या नहीं कर रही है, ब्याज पे कर रही है या नहीं कर रही है, सब ठीक चल रहा है या नहीं. अगर वो बंदा कंपनी से अटैच्ड होगा तो फिर वो कंपनी के फेवर में आ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, नुकसान डिपॉजिट्स का हो जाएगा. इसलिए इन्होंने कहा है इट शुड बी इंडिपेंडेंट टू दिस.